बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं छोटी बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे स्टाइलिश से फ्रॉक डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही बार बार करते हैं कि अगर आपको एक भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने बहुत ही प्यारा फ्रॉक से स्टिच किया है गर्मियों के लिए, समर के लिए, बेबीज़ का। तो ये बटन टेक लगाई है मैंने। कपड़ा बेहद बहुत अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी इसमें हुई पड़ी थी पहले से। ये मैं एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी मैंने जो है वो पेटी के ऊपर भी स्टिच करके पेटी ऊपर से साधी थी, तो उसके ऊपर लगा दिए। आप पैंट के साथ टाइज के साथ पहनाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा। नेक्स्ट जो मेरा बेबी फ्रॉक है वो जुबा स्टाइल में है। इसके ऊपर मैंने ये टिशू अटैच किया है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर बटन टेक लगाई है और उसके ऊपर मैंने लगाई है लेस। इसमें मैंने कलियाँ डाली हैं और कलियों में मैंने जिगजैग लेस अटैच किया है सिल्वर कलर की, जो इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए, फ्रंट में भी और बैक में भी ये हमारा फैंसी लुक बिल्कुल इंडियन स्टाइल में जो है वो सूट रेडी हुआ है। इसके साथ मैंने ये देखें पैंट प्लाजो जो स्टाइल में शरारा स्टाइल स्टिच किया, जो उसके साथ पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप भी ज़रूर समर के लिहाज से ऐसे आप फंक्शन के लिए आप ऐसे स्टिच कर सकती हैं, बेबीज़ का बहुत अच्छा लगेगा। तो इंडियन फ्रॉक जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है वो ये है, लॉन्ग फ्रॉक और उसके साथ ये हल्के हल्के से जे लैस लगी हुई है जो हमारी, और ऊपर से फ्रॉक जो है वो सादा है। मैंने कलियाँ डाली हुई है मैं फ्रॉक में, लेकिन आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रही होंगी, कलियों वाला फ्रॉक है। नीचे मैंने लैस अटैच की है दो तरह की, और वही लैस जो है वो मैंने लेयर बाजुओं में लगाई है। बहुत ही प्यारा ये फ्रॉक लग रहा है, आप पैंट के साथ टाइज के साथ गोल्डन कलर की इसको पहन सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये फ्रॉक है ये भी देखें इंडियन स्टाइल में, यहाँ से मैंने कट रखा है हल्का सा शोल्डर के ऊपर, ये पहना हुआ बहुत ज़बरदस्त लगता है। गला मैंने इसका थोड़ा सा बड़ा रखा है समर के लिए, आगे पीछे मैंने ये लैस टिशू के अटैच कर दिए और बहुत प्यारी लग रही है। और देखिए सिंपल सा डिज़ाइन और कितना प्यारा लग रहा है, और नीचे भी ये मैंने टिशू की यही लैस लगा के नेट की तो फिर लगाई है, जिससे इसकी ग्रेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसके साथ भी आप टाइज या पैंट वगैरह बच्ची को पहना सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये मेरा शॉर्ट फ्रॉक है, उसके साथ मैंने ये पैंट प्लाजो स्टिच किया है लॉन्ग। ये पैंट फ्रंट पे लैस मेरे पास थोड़ी सी, तो ये मैंने लैस को जो है वो फ्रंट में लगाया। देखिए बैक में मैंने लैस अटैच नहीं की, ये फ्रंट में पाँचों के ऊपर मैंने प्लाजो में लैस अटैच किया। और ये शॉर्ट फ्रॉक के साथ ये भी सूट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर मैंने इसके एक फ्रिल लगा दी है, जिससे ये ऑल ओवर सूट था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा हुआ। गर्मियों के लिए समर का ये कलर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और फ्रॉक भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे जो है वो मेरा शरारा है। शरारे और पैंट प्लाजो वगैरह जो है वो गर्मियों में बच्चों को सूट करते हैं पहने हुए। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी हिट कीजिएगा, ताकि जो मेरी नई वीडियोस आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जल्द से जल्द। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक मेरी जो डिज़ाइनिंग है वो पहुँच सके। अब ये देखिए, ये मैंने नोक वाली फ़्राक सी है, नोक वाली इसकी पेटी लगाई है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है न्यू स्टाइल में एकदम न्यू। हर तरह की डिज़ाइनिंग जो है हमने वो बच्चों के करनी होती है, समर के काफ़ी सारे बच्चों के कपड़े बनते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये जो है मैं फ्रॉक स्टिच किया। ये पांचे के डिज़ाइन देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये टाइज का डिज़ाइनिंग भी, और ये फ्रॉक भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आपको कोई भी जो फ्रॉक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी आप उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेके अगर आप खुद स्टिच करना चाहते हैं तब भी, नहीं तो आप अपनी टेलर को स्क्रीन शॉट दिखा कर भी आप इससे सिलवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।